नमस्ते बच्चों, आज हम सेवेंथ क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये चैप्टर हम दो पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, यानी कि दो वीडियोस इसकी आएंगी और उसके बाद ही ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या क्या इनकी टाइप्स होती हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्ड है न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट कोई भी वो चीज़ जो कि कोई ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है और उसके कंजम्पशन से उस ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलती है, तो उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे न्यूट्रिएंट। तो स्पेशली ये कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनके रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनिज़म्स को, तो वो हैं वो ऑर्गेनिज़म्स, एनिमल्स, प्लांट्स या इंसेक्ट कुछ भी हो सकते हैं। तो वो न्यूट्रिएंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिंस एंड मिनरल्स। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके रिक्वायरमेंट ऑर्गेनिज़म्स को होती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिएंट्स हमने देखा कि वो सारे सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को जिनकी रिक्वायरमेंट होती है उससे हमें एनर्जी मिलती है और फिर हमारा डे टू डे रूटीन उससे चलता है, उन सभी सब्सटेंस को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिशन का मतलब होता है मोड ऑफ टेकिंग फूड। हम फूड को कंज्यूम करते हैं, उस फूड को कंज्यूम करने के बाद फूड डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद हमें एनर्जी मिलती है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। यानी कि हमने कंज्यूम किया फूड को और उस फूड को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट किया गया हमारे बॉडी के अंदर और उसको हमने यूटिलाइज़ किया हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, तो इसको हम कहेंगे न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के जो मोड हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट है ऑटोट्रॉपिक एंड सेकंड है हेटरोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में होता है कि जो भी ऑर्गेनिज़म्स कंज्यूम कर रहा है फूड, वो खुद फूड को प्रिपेयर भी करता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज़म्स मेक फूड themselves from simple substances is called autotrophic nutrition। यानी कि जब कोई ऑर्गेनिज़म अपना फूड खुद बनाता है सिंपल सब्सटेंसेस को इन्वॉल्व करके, तो उस तरह का न्यूट्रिशन, उस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है autotrophic न्यूट्रिशन। और वो ऑर्गेनिज़म्स जो इस तरीके से फूड को कंज्यूम करते हैं उन ऑर्गेनिज़म्स को कहते हैं हम ऑटोट्रॉप्स। इसके अलावा दूसरा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है हेटरोट्रॉपिक। यहाँ पे ऑटो की जगह आ जाएगा हेट्रो, हेट्रो आगे ट्रॉपिक सेम रहेगा, हेट्रोट्रॉपिक। फर्स्ट हमने ऑटोट्रॉपिक देख लिया कि जहाँ पे फूड खुद वो ऑर्गेनिज़म प्रिपेयर कर रहा है सिंपल सब्सटेंसेस को इन्वॉल्व करके। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज़म्स दूसरे ऑर्गेनिज़म्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। जैसे कि एग्जांपल हम ह्यूमंस ले लेते हैं कि ह्यूमंस को खाना अगर चाहिए तो वो या तो एनिमल्स पे डिपेंड रहेंगे, यानी दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड रहेंगे, या फिर वो प्लांट्स पे डिपेंड रहेंगे। जैसे कि हम राइस है, दाल है, वेजिटेबल्स हैं, ये सारे हम दूसरे प्लांट्स को ग्रो कराते हैं और वहाँ से ये सारी चीज़ें हम लेते हैं। और अगर हमें मिल्क चाहिए, बटर चाहिए, या अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उसे चिकन चाहिए, फिश चाहिए, तो ये दूसरे ऑर्गेनिज़म्स से हम लेते हैं। तो इस तरह से ह्यूमंस अपने फूड के लिए, अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए दूसरों पर डिपेंड करता है। तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहेंगे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
और वो ऑर्गेनिज़म्स जो इस मोड से न्यूट्रिशन लेते हैं उनको कहा जाता है हेटरोट्रॉप्स। देखिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, ये हैं हेटरोट्रॉप्स। तो दो तरह के मोड हो गए न्यूट्रिशन के, फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वो ऑर्गेनिज़म जो कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक मोड से न्यूट्रिशन करते हैं उनको हम कहेंगे ऑटोट्रॉप्स, ये दे रखा है। एंड सेकंड वो ऑर्गेनिज़म जो हेटरोट्रॉपिक मोड से न्यूट्रिशन लेते हैं उनको हम कहेंगे हेटरोट्रॉप्स। तो आगे देखते हैं, क्योंकि ये चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में कौन सा मोड होता है, तो हम प्लांट्स में देखेंगे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। जनरली प्लांट्स में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, तो इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। अब ये क्या तरीका है इनका फूड बनाने का, प्रिपेयर करने का, हम वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो अगला टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, यानी ऑटोट्रॉप्स में या प्लांट्स में जो फूड बनाने का जो तरीका है उस तरीके को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, यानी जो प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। वो कैसे होता है वो हम समझते हैं। तो देखिए प्लांट्स, सभी प्लांट्स में लीव्स होती हैं, आप सबने देखा है लीव्स कई तरह की होती हैं, बट जनरली हमने देखा है कि लीव्स इस तरह से होती हैं। अगर इस लीव्स को हम रिवर्स कर दें तो इसके बैक साइड पे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जो शायद विजिबल नहीं होते हैं, बट माइक्रोस्कोप पे अगर हम देखें तो ये हमें छोटे छोटे से पोर्स विजिबल होंगे। तो इन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। अब इस स्टोमेटा के थ्रू गैसेस प्लांट्स के अंदर आती हैं, क्योंकि खाना बनाने के लिए अगर प्लांट्स अपना खाना अपना न्यूट्रिशन खुद ले रहे हैं, अगर वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो सब्सटेंस भी चाहिए। तो उन्हें दो तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, वो हम आगे समझते हैं। फर्स्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है, और ये गैस आसानी से एयर से कोई भी प्लांट ले सकता है। सेकेंड जो चाहिए वो है वाटर, यानी H2O, और ये वाटर भी आसानी से, क्योंकि प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन के अंदर होती हैं और वहाँ पे ज़मीन के अंदर मॉइस्चर होता है, पानी होता है, तो यानी कि वाटर रूट्स के थ्रू ज़मीन से आ जाता है। CO2 यानी कि जो गैस है, यानी कि एयर के थ्रू प्लांट्स के अंदर आ जाता है स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा प्लांट में एक और सब्सटेंस होता है जो प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल क्योंकि जो भी प्लांट्स ग्रीन हैं यानी लीव्स हैं, लीव्स में क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो तीन सब्सटेंस हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड है वाटर, एंड थर्ड है क्लोरोफिल, एंड फोर्थ होता है सनलाइट। क्लोरोफिल हेल्प करता है, यानी जिन ऑर्गेनिज़म्स में क्लोरोफिल है वो सनलाइट को कैप्चर कर पाते हैं। तो क्लोरोफिल खुद अपना खाना नहीं बनाता है, मतलब वो हेल्प करते हैं, यानी सनलाइट को कैप्चर करने में क्लोरोफिल हेल्प करते हैं। इसके बाद होता क्या है हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बता रखा है, यहाँ पे है इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड बता रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है। इसके आगे हम देखेंगे स्टोमेटा, यहाँ बता रखा है कि जो लीव्स हैं, लीव्स के बैक साइड में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, आई थिंक यहाँ पे इसकी पिक्चर भी दिखाई होगी, ये रही इस पिक्चर में देखिए, ये एक लीव का पार्ट है, इस पार्ट में ये जो हमें नज़र आ रहे हैं छोटे 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 से ये स्ट्रक्चर्स, ये हैं सेल्स, यानी कोई भी प्लांट कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल से ही बना होता है। तो ये सेल्स हैं और इस सेल को हम कहते हैं गार्ड सेल, और इस सेल के बीच में जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, यानी यहाँ यहाँ पे जो पोर्स जनरेट हो रहे हैं, जो गैप्स हैं वही पोर्स बना देते हैं, उन पोर्स को ही हम कहते हैं, इन्होंने स्टोमा लिखा हुआ है, इन पोर्स को मिला के पूरा जो इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है उसको हम कहते हैं स्टोमेटा, और इस स्टोमेटा के थ्रू ही गैस
एयर से प्लांट की बॉडी के अंदर जा पाती है। और ये इन्होंने दिखा रखा है, ये लीव का बैक साइड है, और यहाँ पे अगर इसको हम जूम करके देखें, मतलब माइक्रोस्कोप में देखें, तो हमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर नज़र आएगी। ये साइड साइड में जो ये वाली स्ट्रक्चर, ऐसी जो स्ट्रक्चर है वो गार्ड सेल है, इसके बीच में है जो स्पेस है उसको हम कहेंगे स्टोमेटा। तो स्टोमेटा समझ में आ गया, और अब हम समझते हैं ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, हमने ऊपर देखा, फिर हमें चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू प्लांट के अंदर आएगा, स्टोमेटा के थ्रू। फिर हमें क्लोरोफिल चाहिए जो कि ऑलरेडी प्लांट में प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोफिल को ग्रीन पिगमेंट भी कहते हैं, क्योंकि प्लांट में जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण ही होता है। और क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है, सनलाइट को कैप्चर करना। देन यहाँ पे देखिए एक लाइन लिखी हुई है, थस सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी सन इस पूरे अर्थ पे जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी एनर्जी का जो अल्टीमेट सोर्स है, यानी बिल्कुल अंतिम जो सोर्स है जहाँ से एनर्जी शुरू हो रही है, वो सन ही है। कैसे, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि पहले प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं सनलाइट की हेल्प से, देन जो फूड प्लांट्स जनरेट करते हैं, हम प्लांट प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करते हैं, हम या दूसरे ऑर्गेनिजम्स। तो अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस ना करें, यानी उन्हें सनलाइट ना मिले, तो वो खुद अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे और प्लांट्स की डेथ हो जाएगी। और अगर प्लांट्स की डेथ हो जाएगी तो हम भी ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम में भी कंज्यूम करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। बाकी ऑर्गेनिजम्स भी सेम, उन्हें भी कंज्यूम करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो उनकी भी डेथ हो जाएगी। तो इस पूरे अर्थ पे जो सोर्स है एनर्जी का वो सन है, क्योंकि सन के थ्रू ही एनर्जी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरे ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसफ़र हो रही है। देन आगे देखते हैं, यहाँ देखिए पिक्चर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये प्लांट है शो कर रखा है इन्होंने। नीचे देखिए यहाँ पे रूट्स हैं, ये रूट्स ज़मीन के अंदर हैं, और इस रूट्स के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स प्लांट्स के अंदर जा रहे हैं। सेकेंड देखो, यहाँ पे हमें दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो फिलहाल हमें ऑक्सीजन का कोई काम नहीं है फोटोसिंथेसिस में, हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे इस प्लांट्स में, मतलब जो लीव्स हैं उसके बैक साइड में स्टोमेटा है, तो उस स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर जाएगा, रूट्स के थ्रू वाटर प्लांट के अंदर जाएगा। यहाँ पे सन है तो सनलाइट भी, क्योंकि लीव्स में क्लोरोफिल है तो सनलाइट भी यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, तो अल्टीमेटली प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, वाटर भी होगा और सनलाइट भी मिल जाएगी, और क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट है प्लांट के अंदर। तो इन सब को मिलाने के बाद प्लांट्स के अंदर जो फूड प्रिपेयर होगा वो दो चीज़ें होंगी, फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट एंड सेकंड ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट तो वो फूड है जो प्लांट कंज्यूम करेगा, यानी कार्बोहाइड्रेट प्लांट की बॉडी में ही स्टोर हो जाएगा और कंज्यूम होगा धीरे धीरे। पर यहाँ जो ऑक्सीजन है उसका कुछ काम है नहीं प्लांट की बॉडी में, तो जो लीव्स में स्टोमेटा है उन्हीं के थ्रू प्लांट इस ऑक्सीजन को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगा। यहाँ पे देखिए इस पोर्शन में आप ऑक्सीजन देखेंगे, ये देखिए ऑक्सीजन प्लांट की बॉडी से बाहर आ रहा है, तो और इस ऑक्सीजन को फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करते हैं। जैसे कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो अगर प्लांट्स ऑक्सीजन बाहर ना निकालें तो हमारे इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की का अमाउंट कम होता जाएगा, और फिर अगर ऑक्सीजन का अमाउंट काफ़ी कम हो गया तो हम फिर सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो पूरा लाइफ साइकिल है प्लांट्स का, एनिमल्स का, सभी ऑर्गेनिजम्स का, ये ज़रूरी हो जाता है। और इसीलिए कोई एक स्पीसीज़ अगर दूसरी स्पीसीज़ को नुकसान पहुँचाता है तो अल्टीमेटली ये उसे भी इफ़ेक्ट करती है। तो यही रीज़न है कि हमें प्लांट्स को और बाकी दूसरी स्पीसीज़ को भी कंजर्व करना चाहिए। देन यहाँ पे हमने समझ लिया कि फोटोसिंथेसिस ये पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस हो रहा है। क्विक रिवीजन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस क्लोरोफिल प्लस सनलाइट, चार सब्सटेंस हैं जिसकी रिक्वायरमेंट है प्लांट को। इससे बनता क्या है, सिर्फ दो चीज़, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स का फूड होता है, इसलिए फूड उसे कंज्यूम कर लेता है और अपनी बॉडी में स्टोर कर लेता है। और जो ऑक्सीजन है वो
एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, तो इसीलिए ऑक्सीजन प्लांट की बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको बाकी दूसरे ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे हमने समझा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब यहाँ पे हम इस ब्लू बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है, हम वो समझते हैं। सबसे पहले है सेल। कोई भी ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो बिल्कुल छोटा है या बड़ा है, उसकी बॉडी बनी होती है सेल से। जैसे कि अगर हम एक दीवार की स्ट्रक्चर को इमेजिन करें कि बहुत सारी ब्रिक्स यानी ईंटों से मिलकर एक पूरी दीवार, एक वॉल बनती है, तो सेम ऐसे अगर हमारी बॉडी एक वॉल है तो सेल ब्रिक है, यानी बहुत सारी सेल्स को कंबाइन करने के बाद हमारी बॉडी फॉर्म हुई है। यहाँ पे देखो, एक ये सेल है, ये दूसरा सेल है, ऐसे कई सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन यहाँ दिखा रखा है। अब एक सेल में भी कई पार्ट्स होते हैं। बिल्कुल बीच में होता है ये सेंटर, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, जबकि यहाँ पे दिखाया हुआ है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये सारे हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ एक लिक्विड कुछ सब्सटेंस होता है जो इस पूरे साइड साइड में उसे ऑक्यूपाई करता है, यानी न्यूक्लियस के बाहर कुछ लिक्विड स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि इसको, इस पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। इस लिक्विड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियस के जस्ट बाहर जो सब्सटेंस होता है वो कहलाता है साइटोप्लाज्म। अब ये जो साइटोप्लाज्म है, इसके चारों तरफ एक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम एक मेम्ब्रेन कह सकते हैं, या इस पूरी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कवर करने के लिए एक यहाँ पे कवरेज होता है, कवर लगा हुआ होता है, या मेम्ब्रेन उसे कह सकते हैं कि लगा होता है। तो इस मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन। यानी किसी भी सेल में मिनिमम तीन स्ट्रक्चर्स होती हैं। सबसे बीच में यानी सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के बिल्कुल आउटर में होता है ये वाला, ये है सेल मेम्ब्रेन, और बीच में ये है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच वाला जो पोर्शन है ये, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये पूरी स्ट्रक्चर होती है सेल की। अब देखो, ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें सिर्फ इतनी ही स्ट्रक्चर होती है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, जिसमें उसमें सेल मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, बस इतनी सी स्ट्रक्चर होगी। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे हम हैं, तो हमारे अंदर जो सेल्स हैं वो बहुत सारे होते हैं, और ये अलग अलग फॉर्म में कंबाइन होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स बनाते हैं, जिसके डिटेल में हम फिर आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये हमने फोटोसिंथेसिस समझ लिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ लिया, और सेल्स समझ लिए कि सेल्स क्या होते हैं और कैसे होते हैं। और सन अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का हमारे अर्थ पे, ये हमेशा याद रखना है। देन हम आगे देखते हैं, यहाँ पे एक लाइन है, इसे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट कई फॉर्म्स में होता है, जैसे शुगर कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है वो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज हम कंज्यूम करते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट है। तो इतना डीप में जाने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, इतना ही समझ लेना है कि स्टार्च बन रहा है प्लांट्स में और प्लांट्स स्टार्च को कंज्यूम करते हैं। देन इसके आगे इन्होंने ये बताया हुआ है कि किसी भी प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी प्लांट में फूड प्रिपेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको कैसे पता करेंगे। तो उसको पता करते हैं हम किसी एक्टिविटी के थ्रू। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी 1.1 है, यहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरीके से हम पता करेंगे कि प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ से हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, अभी तक इस वीडियो में इतना ही। अगले क्लास में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।